नमो बुद्धाय। हम सभी अभी एक सुंदर उपदेश सुनेंगे। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है इन सूत्र। इन मतलब उधार लेने के बारे में बताया गया सूत्र। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में जेतवनाश्रम में रहते थे। कहा जेतवनाश्रम में। उस दिन बंते लोगों से पूछा, भिक्षुन जो सुख भोगते रहता है ऐसा गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोगों को गरीब जन्म मिल गया तो, जैसे कि अपना उस दिन खाना खा पाएगा या नहीं पता नहीं, अच्छे से पहनने के लिए कपड़ा उपड़ा नहीं है, एक रुपया घरे नहीं है, ऐसा गरीब जन्म मिल गया तो वो दुख है या सुख है? भगवान बुद्ध जी, गृहस्थ जीवन बिताने वाले किसी को एक रुपया भी नहीं, ऐसा गरीब जन्म मिल गया तो बहुत दुख है। भगवान बुद्ध ने पूछा, ऐसे हैं तो ऐसा गरीब जन्म लेकर के गरीब जन्म में होते हुए दूसरों से उधार ले लिया तो और दुख है कि नहीं? भगवान बुद्ध जी, इतना ही गरीब जन्म ले करके होते हुए और किसी से उधार ले लिया तो वो बहुत ही दुख है। उधार लेने के बाद शुद्ध बढ़ते जाता है। एक दिन दिन, सप्ताह सप्ताह में, महीना महीना में उधार बढ़ते जाता है। उस उधार बढ़ते जाते जाते इस आदमी का दुख भी बढ़ते जाते जाता है। इतना हम उधार ले लिया लेकिन शुद्ध के साथ इतना हमको वापस देना पड़ेगा। ऐसा वो जो उधार ले लिया उसी को शुद्ध बढ़ना और दुख है कि नहीं? बंतरू बताया, जी हाँ, जो उधार ले लिया उसी को शुद्ध बढ़ना बहुत ही दुख है। अब ये गरीब आदमी को शुद्ध बढ़ते जाता है, बाद में उधार वापस नहीं कर सकता है, क्या करना पड़ता है, क्या होता है? जो उधार ले लिया वे लोग डांट डांट के लिख करके चिट्ठी भेज देता है, घर पे संदेश भेज देता है, तुम इतना ही उधार ले लिया, अभी शुद्ध के साथ तुमको इतना देना पड़ेगा, कब तुम दोगे? ऐसा करना दुख है या सुख है? पांतरी बताए, भगवान बुद्ध जी, तो बहुत दुख है। इसी प्रकार याद करके डांट के संदेश दिलाता है बार बार, ये क्या करना पड़ता है? नुक जाना पड़ता है, नुक जाता है। नुक जाने से जो उधार ले लिया वे लोग क्या करता है? पीछे पीछे भगाता है, तुम इतना उधार ले लिया, अभी तुमको इतना शुद्ध बढ़ गया, ऐसे बोल के पीछे पीछे उधार दिए हुए लोग इसी आदमी के पीछे पीछे भगाता है। अब इसको उधार भी वापस नहीं कर सकता है, शुद्ध भी वापस नहीं कर सकता है, अभी इसी को बार बार याद दिलाने का कोई मतलब भी नहीं है, अब ये नुक गया। ऐसा उधार दिए हुए लोग पीछे पीछे हमेशा भगाना दुख है या सुख है? बहुत दुख है। अंत में इसको उधार वापस नहीं कर सकता है, क्या होता है? उधार दिए हुए लोग ये गरीब आदमी को पकड़ लेता है, पकड़ के जेल में डालता है। भगवान बुद्ध ने बताया, ऐसा गरीब जन्म होते हुए जेल उल में जाना दुख है ना? जी भगवान बुद्ध जी, गरीब जन्म होते हुए जेल में जाना बहुत ही दुख है।
देखिए कितना दुख है ना। भगवान बुद्ध ने बताया इसी प्रकार सुख संपद भोगते भोगते अपना परिवार को सुरक्षा करके खुशी से जीवन बिताने के लिए प्रसन्न होते सभी लोग। ऐसे प्रसन्न होते हुए मन कहता है ऐसा सुख भोगो, ऐसा कहने पर भी गरीब जना मिलता है। सुख संपद भोगने वाली दुनिया में गरीब होते हुए रहना दुख है। इस संसार में ऐसा गरीब जन्म होते हुए दूसरों से उधार लेना और दुख है। उधार लेने के बाद शुद्ध बढ़ता है, शुद्ध बढ़ना भी दुख है। शुद्ध बढ़ने के कारण जो उधार दिए हैं वे लोग बार बार याद दिलाता है, याद दिला दिला के डांटता है, उधार वापस मांगता है। ऐसे बार बार याद दिलाना इसको और दुख है। इसके बाद उधार दिए हुए लोग पीछे पीछे भगाता है इसको पकड़ने के लिए, क्यों उधार वापस नहीं कर सकता है, ये भी दुख है। और पकड़ के जेल में डालता है, ऐसा उधार वापस नहीं कर पाता है इसलिए जेल में जाना पड़ता है, ये भी दुख है। भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है, ये मानव को मानसिक हानि पहुंच जाता है, अपना जीवन का हानि पहुंच जाता है। वैसे ही है जिसको श्रद्धा नहीं है तो पाप से नहीं शर्माएगा, तो पाप से नहीं डरेगा, तो पाप से मुक्त होने के लिए मेहनत नहीं करेगा, तो तथा प्रज्ञा भी आगे बढ़ने का शक्ति नहीं है तो यही है असली गरीबी। भगवान बुद्ध सांसनिक गरीबी समझाए हैं। ऐसे हैं तो असली गरीब मतलब क्या होता है, पांच कारण नहीं होने से असली गरीब बन जाता है। वो क्या है, श्रद्धा, हीरि, उत्तप, वीर्य, प्रज्ञा। आपके पास ये पांच कारण नहीं है तो आप भी गरीब हैं। आपके पास ये कारण है तो आप धनवान हैं। भगवान बुद्ध का भी जिसके पास धन संपत्ति पैसा है उन लोग को नहीं देखे हैं। हाथ पैर में अच्छा अच्छा चीज पहन के धनवान लोग हैं वो नहीं देखे। उन्होंने गाड़ी, बल, शक्ति, पैसा, धन दौलत, रूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब देख करके आदमी को गिने नहीं है, आदमी को देखे नहीं है। भगवान बुद्ध आदमी का धन को देखे हैं पांच कारण से, श्रद्धा, पाप से लजना, पाप से डरना, तथा पाप को मिटाने का वीर्य, तथा प्रज्ञा। ये पांच कारण है तो वो असली धनवान है। किसी को भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा है तो, तथा पाप करने में लजन है तो, शर्म है तो, पाप करने में भय है तो, पाप दूर करने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए वीर्य करेगा तो, प्रज्ञावान है तो, जो कोई हो सकता है वो असली धनवान है। बाकी लोग असली गरीब है, कुछ नहीं कर पाता है। श्रद्धा नहीं होना जीवन के लिए बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है।
श्रद्धा नहीं होने के कारण लोग भगवान बुद्ध को विश्वास नहीं करते हैं, इस जन्म अगले जन्म के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश अपना जीवन के साथ मिलाना चाहिए, विश्वास नहीं करते हैं। तथा उन्होंने बताया ये संसार की यात्रा हमें जाना पड़ता है नरक में जाते हुए, भूत प्रेत जन्म पाते हुए, जानवर बने हुए जाना पड़ता है। वो कोई भी बात विश्वास नहीं करता है। कौन? जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो। तथा वो पाप के बारे में कोई शर्म नहीं है, लज्जता नहीं है। प्राणियों को हत्या करने का मौका मिल गया तो मार देता है, चोरी करने के लिए मन में आ गया तो चोरी करता है, व्यभिचार करने का मौका आ गया तो वो भी कर देता है, दारू सिगरेट वगैरह नशा पीने का मौका आ गया तो वो भी कर लेता है। वो श्रद्धा नहीं है। जिसके पास श्रद्धा नहीं उसको कहाँ से पाप से शर्म आएगा? जिसके पास श्रद्धा नहीं है, शर्म नहीं है पाप से, झूठ बोलने के लिए मौका आ गया तो झूठ बोल देता है, चुगली करने का मौका आ गया तो चुगली करता है, दूसरों को अपमान करके गाली देके डांटने का मौका आ गया तो वो भी कर लेता है। वो वाणी से उसी प्रकार पाप करता है तथा मन से भी पाप करता है, क्रोध करते रहता है, लोभ लालच से रहता है, मिथ्या विश्वास की ओर से रहता है। क्यों? कोई शर्म नहीं है पाप से। भगवान बुद्ध ने दिखाया ये पाप करने से अगले जन्म में बहुत पछताना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। ये विश्वास जो नहीं करता है ना, वो मौका आने के बाद बिना डर के शरीर से पाप करता है। ये करने से बाद में पछताना पड़ता है, अगर ये करने गया तो हमें बहुत दुख भोगना पड़ता है, ऐसा कोई भय नहीं है। भय नहीं होने के कारण क्या है? भय नहीं होने का कारण श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो पाप से शर्म नहीं है तथा भय भी नहीं है। वो शरीर से पाप करता है बिना डर के, वाणी से झूठ बोलता है, नहीं सोचता है कि हम ये झूठ बोलता है वो अच्छा है या खराब है, चुगली करता है, कभी मन डर नहीं है, चुगली करना अच्छा नहीं है ऐसा समझने का डर नहीं है, चुगली करता है, गाली देता है, डांटता है, अपमान करता है, कभी मन में नहीं आता है इससे खतरा हो जाता है, कोई डर नहीं है, व्यर्थ बात बोलते रहता है, फालतू बात बोलते रहता है, कोई डर नहीं है। ये सब कुछ होता है श्रद्धा नहीं होने के कारण। इसके बाद वीर्य भी नहीं है। वीर्य आना चाहिए तो होश में रहना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। तथा धर्म भगवान बुद्ध की जो बताया गया धर्म सुनना पड़ेगा। अपना मन में गंदगी विचार उत्पन्न हो गया तो ये पाप है, ये दूर करना चाहिए, हम ये सब करते रहना अच्छा नहीं है, इसी चीज से हमको कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये चीज से मुझे सिर्फ पतन ही पतन मिल जाता है, ऐसा खतरा देख के पाप को मिटाने के लिए वीर्य चाहिए, मेहनत चाहिए। वीर्य नहीं है तो नहीं पाप मिटा सकता है, नहीं पुण्य बढ़ा सकता है। वीर्य पाने के लिए एक चीज चाहिए, वो है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो उसके पास वीर्य कहाँ आएगा? इसके बाद है प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा नहीं मतलब
चार आर्य सत्य के बारे में उसको दिमाग लगाने का कोई रास्ता नहीं है, विचार नहीं करता है। चार आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का नाश, दुख नाश करने का मार्ग के बारे में कोई जान ज्ञान नहीं है, ऐसा प्रज्ञा नहीं है तो, और वीर भी नहीं है तो वो हमेशा बोलते हैं हमें उसके लिए कोई समय नहीं है। ध्यान करने का टाइम कहाँ है? धर्म सुनने का टाइम हमें कहाँ है? मगर प्राणियों को हत्या करने के लिए बहुत समय है। दूसरों लड़की लड़कों लोग के साथ, स्त्री पुरुष लोग के साथ गलत काम करने के लिए टाइम बहुत है। दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए बहुत टाइम है। मगर धर्म की रास्ता पे जाने के लिए बताया तो कहता है समय नहीं है, वो उस धर्म की रास्ता से हट जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया असली गरीब वो है। इसके बाद वो क्या करता है? अपना गरीबी होते हुए शरीर से काम करता है, वाणी से काम करता है, मन से काम करता है। भगवान बुद्ध ने बताया जो कोई इसी प्रकार शरीर से, मन से, वाणी से गलत काम करेगा तो उसको कहता इस शासन में उधार लेना जैसा है। ऐसे तो गरीब आदमी बता दिया किसको? जिसका पास श्रद्धा नहीं, पाप से शर्म नहीं है, पाप से डरता नहीं है, पाप को मिटाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए वीर्य नहीं है तथा प्रज्ञा नहीं है, वो है गरीब। और गरीबी आदमी उधार लेता है ना, वैसे ही भगवान बुद्ध ने बताया ये श्रद्धा, हीर्य, तप, वीर्य, प्रज्ञा जिसके पास नहीं है वो शरीर से गलत काम करता है, वाणी से गलत काम करता है, मन से गलत काम करता है। ये सब श्रद्धा मतलब क्या है? भगवान बुद्ध के बारे में विश्वास। भगवान बुद्ध ने बताया सद्धाति तथागता सबोधि, तथागत भगवान बुद्ध की अवबोध के बारे में विश्वास है, भगवान बुद्ध की ज्ञान के बारे में विश्वास है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। ये श्रद्धा होने के कारण हमें निर्वाण तक जा सकता है, जीवन बदला सकता है, और कोई रास्ता है नहीं है। भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा हेतु के कारण हमें आगे बढ़ सकता है। अगर भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी है तो इसके बाद उन्होंने बताया धर्म के बारे में भी विश्वास चाहिए। कौन सा धर्म? आर्य धर्म, जो भगवान बुद्ध ने बताया। अगर सत्य धर्म के बारे में कोई विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं कर पाता है। सोचिए एक आदमी को खेती मिल गया, लेकिन वो किसान का काम जानता नहीं है, कैसे खेती करता है, उसी को कभी फसल उपजा सकता है क्या? नहीं। सोचिए अभी खेती करना शुरू किया, खेती कैसे करता है वो जानता नहीं है, उसको ये खेती का काम आगे बढ़ा नहीं सकता है। सोचिए खाना बनाने का, सब्जी उब्जी बनाने का सामान सब कुछ है, लेकिन जानता नहीं है कैसे बनाता है, तो उसी को मीठा अच्छा से स्वादिष्ट खाना सब्जी बना पाएगा? नहीं। ऐसे तो अच्छी तरह समझ में आता है भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में नहीं जानेगा तो उनको कहाँ श्रद्धा उत्पन्न होगा? झूठ मूठ श्रद्धा आएगा। भगवान बुद्ध सत्य है, भगवान बुद्ध देवमानव का गुरु है, बोलेगा, लेकिन वो श्रद्धा दिल में नहीं है, तुरंत हट जाएगा। क्यों? उनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई कोई लोग कह सकता है भगवान बुद्ध के धर्म, भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा छोटा मोटा है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है।
ये श्रद्धा आदमी का संपत्ति है। श्रद्धा संपत्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, जो कुछ है, जो कुछ मन में आता है वो सब कर लेता है, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, मिटाने वो गलत काम रोकने का वीर्य नहीं, प्रज्ञा ज्ञान भी नहीं, सब कुछ कहां से, श्रद्धा नहीं होने के कारण होता है। हे क्या भारत में श्रद्धावान लोग बहुत मुश्किल से हैं, एक दो शायद, वो भी क्या पता। श्रद्धा नहीं होने के कारण ही इतना गंदगी बढ़ता है, पाप बढ़ते जाता है। इसी प्रकार जीवन बिताने का मौका मिल गया तो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो महाराजा है, चाहे वो सेठ जी हैं, मालिक हैं, संस्था का मालिक हैं, चाहे वे साधु जी हैं, ऋषि जी हैं, फिर भी उनके पास श्रद्धा नहीं है तो भगवान बुद्ध धम्म और संघ प्रति, पाप से शर्म नहीं है तो, पाप से डरेगा नहीं डरेगा तो, पाप को मिटाने का वीर्य नहीं है तो, तथा प्रज्ञा भी नहीं है तो, वो है असली गरीब। वो गरीब आदमी उधार लेता है, कैसे उधार लेता है, वो आदमी शरीर से पाप करता है, वाणी से पाप करता है, मन से पाप करता है। इसी प्रकार उधार लेता है। अब आप सोचिए, इस संसार में सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोग ही ज्यादा है। कोई कोई पूरा परिवार ले लिया तो पूरा परिवार गरीब, पूरा खानदान गरीब है। अगर ऐसे नहीं है तो अमीर है। कोई कोई घर में माँ पिताजी दोनों अमीर हैं, कोई कोई घर में सिर्फ बच्चे लोग अमीर हैं। अमीर मतलब श्रद्धा, पाप से शर्म, पाप से डर, पाप पिटाने का वीर, पुण्य बढ़ाने का वीर, प्रज्ञा, ये पांच कारण से संपन्न होना। ये पांच कारण नहीं है तो वो गरीब है, वो उधार लेता है। उधार लेता है मतलब शरीर मनवाने से पाप करता है। उधार लेने के बाद क्या होता है, उधार लेने के बाद जरूर हो जाता है शुद्ध, बढ़ता है। वही सही है जो श्रद्धा नहीं है, शर्म नहीं है, डर नहीं है, पाप को मिटाने का वीर नहीं, ज्ञान से मनन करने का प्रज्ञा नहीं, वो शरीर मन वाणी से पाप करते करते ऐसा नीच विचार उनको उत्पन्न होता है। जैसा शुद्ध बढ़ता है वैसा क्या विचार, नीच विचार उत्पन्न होता है। हम ये काम करता है गलत काम, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, कोई नहीं जानना चाहिए मेरा ये गलत काम, ये है शुद्ध। चुपे चुपे हत्या करता है, दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा छुपे छुपे चोरी करता है, कोई किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा छुपे हुए व्यभिचार करता है, छुपे हुए दारू सिगरेट वगैरह पीता है, गांजा वगैरह पीता है। क्या है, शुद्ध बढ़ता है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ऐसे नुक्के छुपे हुए पाप करता है, छुपे हुए जाकर के झूठ बोलता है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, जाकर के झूठ बोल देना चाहिए, झूठ बोल देता है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा सोच के जाके छुप के जाके चुगली करता है, दूसरों को लड़वाता है, सही है ना। इसके बाद दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए मेरा तरीका, ऐसे सोच के चुप से जा करके दूसरों को डांट के गाली दे के अपमान करके आता है। ये क्या है, शुद्ध, शुद्ध उधार ले लिया, उधार का शुद्ध, अभी शुद्ध बढ़ता है। इसके बाद शुद्ध बढ़ने के बाद क्या होता है, मन से पछता के रहता है,
दूसरों को धोखा देने के लिए अंदर मन से क्रोध करते रहता है, क्रोधी मन से रहता है, क्या होता है, शुद्ध बढ़ता है। बाहर दुनिया को बोलता है नहीं नहीं हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छा खानदान के हैं, हम लोग साध संत हैं, हम लोग किसी को ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा बाहर को दिखा के अंदर मन से सोचता है क्या दूंगा तुमको, ऐसा करके शायद छुपे हुए जाकर के उसको मार देता है। लेकिन दुनिया को नहीं दिखाता है, क्यों, उसका मन में है जो कुछ करता है वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये क्या है, शुद्ध बढ़ता है गरीब आदमी का। वैसा आप देखिए गरीबी जन्म होना कितना दुखी का बात है, उधार लेना गरीब जन्म होते हुए उधार लेना और दुखी का बात है, उधार लेने के बाद शुद्ध बढ़ना और दुखी का बात। इसके बाद इनको सुनाई देता है शीलवान गुणवान लोग दूसरों के बारे में बोलते हैं, देखो वो आदमी हत्या करता है, और लोग बोलता है देखो वो चोरी करता है। अगर हत्यारी आदमी को, हत्या करने वाला आदमी ये सुनने के बाद तुरंत याद आता है कौन, खुद याद आता है, अरे हम भी हत्या करता है, और लोग कहता है देखो कितना नीच है, गलत काम करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, छी कितना नीच है, दारू पीता है। बुद्धिमान ज्ञानी लोग, शीलवान गुणवान लोग बात करेगा तो ऐसा तुरंत अपना याद आता है, बाप रे हम भी ये सब करता है, हम ये सब पाप करता है, इतना नीच का काम हम भी करते हैं। लेकिन बाहर को बोलता नहीं है, मन में पछताना पड़ता है। और कोई कहता है देखो वो आदमी कैसे रहता है, बाहर से टाई कोट पहन के अच्छा अच्छा बड़े साहब बड़े मैडम जैसा रहते हैं, लेकिन देखो क्या क्या करता है, कितना नीच का काम करता है। अगर ये गलत काम करने वाला आदमी सुनते रह गया तो वो उसका मन में आ जाता है, कैसा याद आता है मैं भी ऐसा करता हूँ, अच्छा से कपड़ा पहन के अच्छा से दुनिया को दिखाता है, लेकिन अंदर से मैं भी ऐसा गलत काम करने वाला हूँ, मैं भी ये किया हूँ, मैं भी उसी आदमी का जैसा चुगली किया हूँ, दूसरा परिवार को विदा किया हूँ, गाड़ी कितना में दिया था, ऐसा याद आता है। शीलवान गुणवान लोग पापी लोगों के बारे में बात करते समय पाप करने वाले लोगों को खुद याद आता है अपना, कैसा, जो गरीब आदमी को उधार देता है शुद्ध बढ़ता है, शुद्ध बढ़ने के बाद जो शुद्ध दिया उधार दे दिया, वे लोग उधार को याद करते करते बार बार बोलता है, याद दिलाता है, डांटता है उसी प्रकार। अब ये आदमी के पास गरीबता है, गरीबता मतलब श्रद्धा शर्म भय वीर्य प्रज्ञा नहीं, उधार लेता है, उधार लेता है मतलब शरीर मन वाणी से पाप करता है। इसके बाद शुद्ध बढ़ता है मतलब हम ये जो गलत काम करता है, गलत वाणी बोलता है, सोचता है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद उधार एवं शुद्ध के बारे में सभी लोग डांटता है, बोलता है वह सही है। अभी हम लोग बात किए शीलवान गुणवान लोग पापी लोग के बारे में बात करते समय अपना याद आता है। इसके बाद ये क्या करता है, अभी उधार वापस नहीं कर सकता,
उधार दिए हुए लोग पीछे पीछे आता है, ये नुक जाता है। नुक जाने के कारण आदमी लोग पीछे पीछे आता है उधार वापस लेने के लिए। वैसे ही है जीवन में, अकेला हो गया तो एकांत होने के बाद, कुछ भी नहीं कर पाने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, बहुत बड़ा बादल से ढप जाना जैसा, ये जो आदमी जीवन में जितना किया वो सारे गलतियां अपने सामने दिखाई देता है। जो जो किया पाप सब अपना जीवन में पीछे पीछे भगा देता है, भगा भगा के याद दिलाता है। इस कारण पे इसको दौड़ के भाग के बच सकता है? नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया एक सुंदर उदाहरण। शाम के समय में सूरज डूबते जाता है, डूबते समय घर के पीछे से, डूबते समय घर की छांव आगे से आगे तक दिखाई देता है, घर की छांव। उसी छांव के साइड में एक आदमी कुर्सी पे बैठ के रहता है, तो वो आदमी पूरा छांव से ढप जाता है ना। वह सही है, शरीर से जो कुछ किया, वाणी से जो कुछ बोला, मन से जो कुछ सोचा, वो सब कुछ अपने सामने दिखाई देता है, याद आता है। इसके बाद उसको कुछ भी नहीं कर पाता है, वो सब मिटाने का होश नहीं है, प्रज्ञा नहीं, वीर्य नहीं, ज्ञान नहीं। अपना मन पुण्य की ओर से लगवाने का शक्ति नहीं। इसके बाद जो कुछ जीवन में किया वो सब कुछ उसी आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी जो गलत काम करता है संसार के लोग दूसरों को नहीं बता सकता है, दुनिया के सामने हंसते रह सकता है, लेकिन उनका अंदर चित्र, अंदर की जीवन खुद देख सकता है, खुद देखता है, अकेले पछताता है, अकेले रोता है, अकेले चिंता करना पड़ता है। आंसू पोंछकर दुनिया के सामने हंसते रहता है, लेकिन अंदर से जलते जलते रहता है आग जैसा, अरे हम ऐसा ऐसा पाप किया। यही है उधार दिए हुए लोग पीछे पीछे भगाता है। उसी प्रकार जितना गलत करता है लोग सोच सकता है हम ये झूठ बोलते हैं, हम कल्याण के लिए बोले, हम हत्या करते हैं कल्याण के लिए किए, हम क्रोध किए कल्याण के लिए, ऐसे साधारण बनाता है, लेकिन अंदर दिल जानता है हम ये गलत किए हैं। अंत में क्या होता है, जो उधार दिए हैं वे लोग ये गरीबी आदमी को पकड़ के उधार वापस नहीं कर सकता है, जेल में डाल देता है, काला कोठरी में डाल देता है। वैसे ही इसको जो कुछ हुआ गलतियां सब हटा नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है, ये कुछ जानता नहीं है। पाप की विचार, दुख, परेशान मन में आने के बाद कैसे दूर करना है, उसके लिए पुण्य कभी किया नहीं, कुशल किया नहीं, प्रज्ञा ज्ञान को बढ़ाया नहीं, ज्ञान से कभी मनन किया नहीं, भगवान बुद्ध की धर्म के बारे में कोई अवबोध नहीं है, ये आने वाले गंदगी सब मिटाने का कोई शक्ति नहीं है, अंत में पछताते पछताते मरना पड़ता है, ऐसे मर के नरक में जन्म लेता है, नहीं तो जानवरों के पास, कोई पशु पक्षी के पास जन्म लेता है, या भूत प्रेत का जन्म चल जाता है। भगवान बुद्ध ने बताया ये नरक में जन्म लेना तथा जानवर जन्म पाना ये संसार सागर का
भव संसार का जेल है, बहुत पछताना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने एक सुंदर बात बताया यहां, ना हम भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पिसमनुपस्सामि एवं दारुणं एवं कटुकं एवं अंतरायकरं अनुत्तरस्य योगक्षेमस अधिगमाय यथेदं भिक्खवे निरे बंधनं वा तिरच्छान योनि बंधनं वाति। उन्होंने बताया इतना ही खतरा खतरनाक, इतना ही अंतरायकर, इतना ही अतिशय भयानक, निर्वाण के लिए बाधक, इतना ही डेंजरस जन्म मैं कभी नहीं देखता हूँ। कौन सा जन्म? नरक का जन्म तथा जानवर का जन्म। ऐसा खतरनाक और जन्म मैं कभी मेरे आँख से नहीं देखता हूँ। देखिए भगवान बुद्ध अपना ज्ञान से बताए हैं ये सब। थोड़ा सा सोचिए, अभी हम लोग बात किए हैं श्रद्धा नहीं होने के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के अवबोध के बारे में विश्वास नहीं। ऐसे हैं तो पाप से कोई शर्म भी नहीं है और पाप से कोई भय नहीं, पाप को मिटाने का पुण्य बढ़ाने का कोई वीर्य भी नहीं, प्रज्ञा भी नहीं। वो है गरीब जन्म, वो है गरीबी। ये किसके बारे में बोलता है? आर्य श्रावक के बारे में या पृथक जन के बारे में? पृथक जन के बारे में। देखिए खतरा, पृथक जन लोक मतलब भगवान बुद्ध की रास्ता जानता तक नहीं, सोचता है हाँ भगवान बुद्ध शांति के बारे में बताया, शांति की दूत थे, उससे आगे कुछ नहीं जानता है। और लोग सिर्फ जानते हैं भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को सुधार किया, हंसों को बचाया, बस उतना ही जानता है। भगवान बुद्ध की ज्ञान के बारे में जान गया तो अंगुलीमाल की बात क्या है, हंस की बात क्या है, छोटा मोटा है। वैसा है पृथक जन का जीवन। लेकिन आर्य श्रावक ऐसा नहीं है। आर्य श्रावक का जीवन में श्रद्धा लाभ है, भगवान बुद्ध उनका धर्म के प्रति श्रद्धा है, वो सीलवान होता है, सीलवान होते हुए वीर करता है पाप को मिटाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए। वीर करने वाले वो व्यक्ति प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, प्रज्ञा को बढ़ा देता है। लेकिन पृथक जन लोग बाहर चीज करते करते रहता है, अपना जो गलत को छुपाने के लिए कोई कोई गुरु के पास चल जाता है, यज्ञ करता है, पूजा उजा करते रहता है, लेकिन बच नहीं सकता, क्योंकि उन लोग का जीवन के अंदर में गंदगी अभी तक भरा हुआ है। भगवान बुद्ध की रास्ता जानता तक नहीं है, कैसे गंदगी से बच सकता है? उन लोग का जीवन में नरक में जाने का जड़ है, भूत प्रेतों का जन्म में जाने का जड़ है, जानवर जन्म पाने का जड़ है। उसी गंदगी के कारण वो उसका जीवन खतरा में फंसा दिया है। ये सब कुछ होता है श्रद्धा नहीं होने के कारण, पाप से शर्म, पाप से भय नहीं होने के कारण, वीर्य नहीं होने के कारण तथा प्रज्ञा नहीं होने के कारण। पृथक जन के बारे में भगवान बुद्ध ने बताया कैसे, अरियानं अदस्सावि, आर्य लोगों का दर्शन नहीं कर सकता है, मन नहीं है। आर्य धम्मा सा कोविदो, आर्य धर्म, आर्य धर्म मतलब भगवान बुद्ध की धर्म, आर्य लोग मतलब भगवान बुद्ध उनके शिष्य बनते लोग तथा कल्याण मित्र लोग, देखने में पसंद नहीं तथा सत्य धर्म समझने का शक्ति नहीं। आर्य धम्मे अविनीतो,
आर्य धर्म की रास्ता पे कोई प्रयास नहीं करता है। सत्पुरुषानंग अदस्सावि, सत्पुरुष लोगों का दर्शन नहीं करता है। सत्पुरुष कौन है? भगवान बुद्ध और उनके शिष्य और आर्य सत भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले कल्याण मित्र लोग। सत्पुरुष धम्म में अकोविदो, सत्पुरुष धर्म को समझने का शक्ति नहीं। सत्पुरुष धम्म में अविनीतो, सत्पुरुष धर्म धर्म की रास्ता पे जा नहीं सकता है। इसी प्रकार पृथक जन लोग पहचान सकता है। हम लोग भी संसार में कई बार नरक में गए होंगे, जानवर पशु पक्षी का जन्म पाए होंगे, भूत प्रेतों का जन्म में आए होंगे। देखिए इस मनुष्य लोक में आए हुए लोगों को क्या हाल होता है। एक दिन एक बात हुआ है, 9 साल का एक लड़की थी, ये अपना दादा के साथ हमेशा लड़ाई करके रहती है। ये क्या कि अंत में दादा चटाई पे सोया हुआ है, पूरा मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। इसके बाद लड़की का उम्र कितना है? 9 साल की है। क्या हुआ? लड़की घर से भाग गई। दादा घर के लोग दादा को तुरंत अस्पताल में ले गया, पूरा शरीर चेहरा सब जला हुआ है, लेकिन मरा नहीं, जान है। वो दादा बोलता है उसको लेके आओ, लड़की को लेके आओ। घर के लोग लड़की को पकड़ लिया, लड़की को लेके आया। दादा देखते रह गया, बताया तुम हमको जलाया ना, देखो हम मरने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। दादा मर गया। मरने के बाद भूत नाग का जन्म पाया। अभी वो लड़की लड़की नहीं है, वो दादी है, अभी 80 साल की। अभी तक वो भूत नाग उसी समय से लेकर के परिवार के साथ आता है, नाग का परिवार के साथ आकर के पूरा दुख देता है वो दादी को। अभी तक कभी कभी सिर में सिर दीवार में लगा देता है खून आने तक, बहुत दुख देता है। अभी तक छोड़ा नहीं। देखिए ऐसा संसार में हम आप सबको जाना पड़ता है। ये सब होने का कारण क्या है? गरीबी। गरीबी मतलब श्रद्धा नहीं होना, पाप से नहीं डरना, पाप से शर्म नहीं आना, वीर्य नहीं होना, प्रज्ञा नहीं होना, ये सब का कारण है। इसीलिए सभी लोग शरीर से पाप करता है, मन से पाप करता है, वाणी से पाप करता है, ठगता है, लूटता है, धोखा देता है, घुस देता है, घुसकाता है, अंत में मरने के बाद नरक में जाता है या जानवर जन्म में चल जाता है। ये छोटा मोटा बात नहीं, बहुत खतरनाक की बात है। ये धर्म की रास्ता से आगे जाना चाहिए तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में जानकारी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। एक दिन भगवान बुद्ध ने नाखून में मिट्टी तोड़ा लेके बताया, पूछा ये धरती पे मिट्टी ज्यादा है या नाखून में मिट्टी ज्यादा है, बताएं। जवाब दिए हैं भगवान बुद्ध जी, आपका नाखून में बहुत थोड़ा मिट्टी है, लेकिन धरती पे कहीं नहीं सकते इतना ही मिट्टी है। भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही है। ये सत्व प्राणी मानव से वापस मनुष्य जन्म में या देवताओं के पास जाता है, नाखून में जो मिट्टी है उतना थोड़ा, बाकी सभी लोग नरक में चल जाता है। धरती जैसे लोग, धरती का मिट्टी जैसा लोग नरक में चल जाते हैं, जानवर जन्म में चल जाते हैं, भूत प्रेतों का जन्म में चल जाते हैं।
धरती का मिट्टी जैसा लोग नरक में चल जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा खतरनाक संसार बचना है तो आपको भी वो नाखून में मिट्टी जैसा थोड़ा लोगों को जगह पे आना चाहिए। तो आप भी धनवान होना चाहिए, गरीबता को मिटाना चाहिए। किस कारण से धनवान होना चाहिए? श्रद्धा, शरम, भय, वीर्य, प्रज्ञा। श्रद्धा, हीर्य, तप, वीर्य, प्रज्ञा, ये पांच कारण से आपका जीवन मजबूत होना चाहिए। हम लोग के पास अगर श्रद्धा है तो हम लोग को खुशी हो सकता है। हम लोग थोड़ा भी अभी बच गया। भगवान बुद्ध के बारे में हमेशा हम लोग का दिल में प्रसन्नता होना चाहिए। अपना मन में आना चाहिए, हम जो शरण में गए वो भगवान बुद्ध कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो सारे गंदगी को मिटाए हैं, अरहंत उत्तम चार आर्य सत्य को प्राप्त किए हैं बिना गुरु के उपदेश से, सम्मा संबुद्ध। उनका जीवन तथा विज्ञान पारिशुद्ध है, विद्याचरण संपन्न, आरिष्टांगिक मार्ग पे गए हैं, सुगत, सारे लोकों के बारे में जान गए, लोकविदु, सारे देव मानव का गुरु हैं वे, सत्ता देव मनुष्यानं, सब कुछ जान गया, लेकिन वो सब बताए हैं, नुकाया नहीं, बुद्ध एवं इतना ही अनगिनत गुण लेकर के उन्होंने जीवन बिताए। भगवान ऐसा प्रसन्नता भगवान बुद्ध प्रति होना चाहिए, नहीं तो मिथ्या विश्वास की ओर से आप अपना मन चलाया तो देवी देवताओं के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, मंदिर के ऊपर या कोई गुरु के ऊपर आपका विश्वास चला दिया तो आप गलत रास्ता पे हैं। आपको कभी खुशी नहीं मिल जाएगा, कहाँ से शांति मिलेगा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया धर्म के बारे में भी श्रद्धा होना चाहिए। धर्म मतलब चार आर्य सत्य, धर्म के बारे में प्रसन्न होना चाहिए। इस दुनिया में धर्म के बिना और कोई रास्ता नहीं हमें बचने का। लोगों के पास व्यापार है, धन संपत्ति है, घर द्वार है, बाल बच्चे हैं, लोग सोचते हैं हम लोग घर द्वार बनाना चाहिए, बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, हम लोग पढ़ाई करना चाहिए, नौकरी खोजना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी कारण से अपना जीवन में कोई शांति नहीं मिलता है। जीवन बचाने का रास्ता ये नहीं है, लेकिन ये भी चाहिए। सोचिए आप ये पूरा धरती का मालिक बन गया, पूरा धरती का मालिक बन गया, अभी आप मरने वाला है, मरते समय किसी के साथ लेन देन कर सकता है ऐसा? आप पूरा धरती को ले लीजिए लेकिन हम मृत्यु से बचाइए, कर सकता है? कभी नहीं। ऐसा कह सकता है आप पूरा धरती को ले लीजिए अभी हम नरक में जाने वाले हैं, हम नरक से बचा दीजिए, बचा सकता है? नहीं। आप किसी को पूरा धरती को सोना बना के दे करके बताया तो हम जानवर बनने वाला है, भूत प्रेत बनने वाला, बचा दीजिए उससे? नहीं बचा सकता है। ऐसा है तो ये धरती सोना बना के देने पर भी नहीं बचा पाएगा तो नहीं बचा सकता है। लेकिन वो काम भगवान बुद्ध के धर्म से कर सकता है। वो कैसा? वो जो हम पहले बताए पृथक जनता, उसी पृथक जन से मुक्त होकर के आर्य श्रावक बनना पड़ता है, निर्वाण की ओर से जाने वाले व्यक्ति बनना पड़ता है। उन्हीं का जीवन में परिपूर्ण सुरक्षित हो जाता है जीवन। अगर हम लोग के पास है तो
कोई गुरु के शरण, कोई चर्चा करने वाले के शरण या सत्संग करने वाले हैं तो उसी रास्ता उस्ता से नहीं बच सकता, सब मिथ्या दृष्टि है। ऐसा रास्ता से थोड़ा कुछ शांति उन्ति मिलेगा लेकिन वो रास्ता से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा है तो आर इस रास्ता नहीं है, मन को बढ़ा नहीं सकता। आग बंद करके थोड़ा ध्यान करेगा लेकिन वो ध्यान भी मिथ्या समाधि है। ये धर्म से ही सिर्फ हमारे जीवन का खतरा मिटा सकता है, जीवन अवबोध हो जाता है। ये धर्म, सिर्फ ये धर्म से हमारे जीवन सुखी बना देता है। अगर ये बात आप मान लिया तो आपको बहुत बड़ा सुरक्षा मिल जाएगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग को दिल में श्रद्धा आना चाहिए आर्य श्रावक संघ के बारे में। भगवान बुद्ध के शिष्य लोग थे, उन्होंने सारे गंदगी को मिटाए हैं, वे लोग पूरे संसार को दया किए हैं। सोतापन्न है, सकदागामी है, अनागामी है, अरहंत है, वे आर्य महाश्रावक संघ लोभ क्रोध मोहमाया नफरत अहंकार घमन ये सारे गंदगी को मिटा दिए हैं और मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। वे लोग के बारे में विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ऐसा बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा आ गया तो आपका जीवन सुरक्षित है। ऐसा श्रद्धा आ गया तो आपके पास उत्पन्न होता है और एक चीज, पाप से शर्म आता है। कैसा? ये प्राणियों को हत्या करने के बारे में आपका मन में शर्म आता है, छी हम ये सब काम नहीं करते हैं, हम कभी चोरी नहीं करते हैं, हम कभी व्यभिचार नहीं करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, हम कभी नशा नहीं करेंगे आपसे, हम कभी दूसरों से ठगेंगे नहीं। ऐसा शर्म आता है पाप करने में आपको। इसके बाद चुगली करने में, गारी देने में, अलतू पलतू बात बोलने में, गुस्सा क्रोध करने में शर्म आता है। इसके बाद क्या है? भय। हम ये पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा, जान और जन्म में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, बहुत पछताते पछताते जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसे हैं तो हम ये सब नहीं करेंगे, ऐसा डरता है पाप करने में। आपको अभी भगवान बुद्ध की धर्म सुनाई देता है, आर्य रास्ता सुनाई देता है। ये मौका आपसे छूटने मत दीजिए। अगर आपसे मौका छूट गया तो आपको बहुत समय तक फिर बाद में पछताना पड़ता है। पाप करने में भय नहीं हो गया तो, डर नहीं है तो कितना गलतियां आपके साथ हो जाएगा। इसलिए तो इस संसार के लोग इतना पाप क्यों करते हैं? कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्यों? श्रद्धा नहीं बुद्ध धम्म संघ के प्रति। अब समझ गया, कोई भी धर्म में रह गया था भी बच नहीं पाएगा भगवान बुद्ध की प्रति श्रद्धा जब तक आपका दिल में नहीं आएगा तब तक आप खतरे में हैं, तब तक आपको सुधर नहीं सकता है। भगवान बुद्ध की शरण में आ गया तो आप शर्म लगता है पाप से आपको, तथा भय हो जाता है पाप से। देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो होता है अगर लोभ के कारण या क्रोध के कारण या डर भय मोह माया के कारण। ये तीन चीज से ही पूरे धरती ब्रह्मांड में कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो गया तो होता है, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे हैं तो मानव का मन से ये लोभ राग क्रोध ईर्ष्या नफरत
मोह माया डर भय जब तक मानव का मन से नहीं हटेगा तब तक ये सारी दिक्कत रुकेगा नहीं और बढ़ते जाएगा। अब टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, आईपैड आ गया, कई प्रकार की इलेक्ट्रिक सामान बाजार में आ गया, मार्केट में आ गया। वो सामान सभी लोग खरीदते हैं, वो सामान से आपका मन की गंदगी कभी नहीं मिटेगा, बढ़ेगा। ऐसे है तो आपको सिर्फ एक रास्ता है बचने का, भजन गाने से नहीं होता है ये सब, ईश्वर को प्रार्थना करने से नहीं होता है, सत्संग में जाने पर नहीं होता है, ये सब होता है अपना पास। इधर उधर दौड़ना जरूरत नहीं, घर में रह के अपना मन को शुद्ध करिए, आप बच जाएंगे, नहीं तो आप खतरे में हैं और दूसरों को भी आपके चलते परेशान हो जाएगा, मरने के बाद आपका जीवन नरक में या जानवर जन्म में या भूत प्रेतों के पास हो जाएगा। इसीलिए हम सभी लोगों को ये जीवन के बारे में अवबोध चाहिए, अवबोध के लिए भगवान बुद्ध की धर्म सुनना चाहिए, भगवान बुद्ध की धर्म को सुनने के लिए श्रद्धा चाहिए। ऐसे श्रद्धा है तो वो डरता है, शर्म आता है, इसके बाद उसके पास और एक चीज आ जाता है, वीर्य। अपना जो गलती करते रहता है अभी, वो गलती को मिटाने के लिए वीर चाहिए। बिना मेहनत से अपने आप मिट जाएगा नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, शायद आपको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दूसरों पर आसक्त होने का संभव ज्यादा है, या तुरंत आप डरता है, या तुरंत आप मोह माया में फंस जाता है, या तो फिर आप नशा करने वाले हैं, या तो फिर आप व्यभिचार करने वाले हैं, या तो फिर आप हत्यारा है, ऐसा गलती आपके पास है तो वो गलती को मिटाने के लिए वीर चाहिए। ये वीर आपको इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ आपका दिल में श्रद्धा है तो, नहीं तो और तरीका नहीं है। अगर श्रद्धा है तो तुरंत आपको ये वीर मेहनत कर सकता है, मेहनत करके पाप को मिटा सकता है, पुण्य को बढ़ा सकता है। चार प्रकार की वीर्य भगवान बुद्ध ने बताया, उपन्नानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय। जो अभी है आपके पास पापी विचार, पाप अकुशल, वो मिटाने के लिए मेहनत करना पहला। दूसरा है अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय। कोई कोई पाप है आपके पास अभी तक आया नहीं, कोई कोई पाप है अभी तक आप किए नहीं, वो पाप रोकने के लिए वीर चाहिए, मेहनत चाहिए। उपन्नानं कुशलानं धम्मानं भियो भावाय वेपुल्लाय। जो आपके पास अभी कुछ ना कुछ गुण है, पुण्य कर रहा है अभी, आप ध्यान कर रहा है, वो सब आगे बढ़ाने का वीर चाहिए। अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय। अभी तक आपके पास उत्पन्न नहीं हुआ वो गुण धर्म उत्पन्न करने के लिए, अपनाने के लिए मेहनत चाहिए। आपके पास अभी तक सील में नहीं है तो आप सील को संपूर्ण करना चाहिए। आप साधना करने वाला है तो ध्यान संपूर्ण करना चाहिए, तथा आप मेहनत करना चाहिए ज्ञान को, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, चार आर्य सत्य को साक्षात करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए। तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता पे आने के बाद ऐसा मेहनत करके उन्होंने क्या करता है, ध्यान करने के लिए मेहनत करता है, अपना मन की गंदगी को मिटा मिटा के ध्यान को आगे बढ़ाता है। ऐसे होने के कारण उनका दिल में खुशी उत्पन्न होता है, वो खुशी फिल्म देख के कहीं गुम के नहीं मिलता है, इससे ज्यादा खुशी मिल जाता है ध्यान करने के कारण। क्योंकि फिल्म देखने से, कॉमेडी फिल्म देखने से, आलतू फालतू बात करने से खुशी आता है, लेकिन वो खुशी के साथ गंदगी है। भगवान बुद्ध जो बताया गया उसी प्रकार ध्यान करने से, उसी ध्यान में गंदगी नहीं,
इसीलिए वो ध्यान में बहुत सुंदर खुशी है, सुख है। हम लोग हमेशा शुरुआत किए हुए वीर्य हम लोग के पास होना चाहिए। शुरुआत किया हुआ वीर्य मतलब साधना करना शुरू किया तो रोज करना चाहिए, बीच में रुकना नहीं। शील सुरक्षा करने के लिए शुरू किया तो ये काम रोज करना चाहिए, बीच में रुकावट नहीं करना है। और हम लोग जो कुछ तथागत की रास्ता पे जाने के लिए शुरुआत किया बिना रुके हुए जाना चाहिए, उसको कहता है आराध्य वीर्य। शुरुआत किया हुआ वीर्य बिना रुके हुए ले जाना चाहिए, ऐसे हो गया तो आपको प्रज्ञा मिल जाएगा। ये जीवन को छोड़ के धर्म की रास्ता पे जाने के बाद एवं न्यत्वा यथाभूतं सम्मप्पन्येन सम्मप सब संयोजनक है, ये व्यक्ति जीवन का यथार्थ जान लेता है। सब स्व अनुपादाय समाधि चित्तम विमुच्यते, किसी से सटता नहीं है, अनासक्त होता है, आसक्त नहीं होता है, कुछ भी पकड़ता नहीं, सभी चीज से मुक्त होता है। ऐसा करके वो अपना प्रज्ञा को बढ़ाता है। ऐसे ही तो आप लोगों के पास भी ये गुण होना चाहिए, आप भी कभी गरीब नहीं हो जाइए, आप अमीर हो जाए, धनवान हो जाइए। कौन सी कारण से? श्रद्धा से, पाप की शर्म से, हीरे पाप से भय होना चाहिए, वो तप पाप को मिटाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए वीर्य चाहिए, वीर्य तथा आर्य सत्य को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा। पांच कारण अपना जीवन में उतारिए, पांच कारण अपना जीवन में उतार के आप भी असली धनवान हो जाइए, असली गरीबी मत फंसिए। तो आप सभी लोगों को ये सुंदर तथागत की रास्ता पे आकर के सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।